हेलो गाइस, आप देख रहे हैं गैरेज टेक्निकल एंड वेलकम बैक अगेन। आज मेरे पास है मशरूम स्पीकर जो कि जैब्रोनिक्स का है और जिसका मैं आज रिव्यू करूंगा और साथ ही साथ स्पीकर के बारे में मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूंगा। ये एक यूएसबी स्पीकर है तो इसमें इंटरफेस के लिए आपको एक यूएसबी केबल मिल जाता है और 3.5 mm का ऑडियो जैक भी आपको इसमें दिया गया है और बॉक्स के पीछे की तरफ स्पेसिफिकेशन और MRP जो है वो मेंशन किया गया है। स्पीकर के सामने आपको जैब्रोनिक्स का लोगो मिल जाएगा, ब्रांडिंग दिया गया है जैब्रोनिक्स का। और स्पीकर की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो पूरा ही प्लास्टिक मेड है और पूरा ही जो बॉडी है इसकी प्लास्टिक से बनी हुई है। और ऊपर का जो शेप है, मशरूम शेप, आप देखेंगे तो ये भी प्लास्टिक का है लेकिन काफी डेलिकेट लग रहा है मुझे, तो इस पे अगर आप प्रेशर देंगे तो टूट भी सकता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये स्पीकर जो है वो ब्लूटूथ स्पीकर नहीं है, तो इसके साथ आपको कनेक्टिंग के लिए एक यूएसबी वायर मिल जाएगा। वायर की लेंथ तकरीबन 1 मीटर की है और वायर पूरा ही आपको व्हाइट कलर में मिल जाएगा। वायर के साथ आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक और यूएसबी केबल मिलता है। आप चाहे तो अपने डेस्कटॉप पीसी या फिर ये लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके आप इस स्पीकर का यूज कर सकते हैं। और इसके बाद मैं बता दूं आपको, तो वायर में ही आपको वॉल्यूम कंट्रोल मिल जाता है। इस वॉल्यूम कंट्रोल की मदद से आप वॉल्यूम को स्लो फास्ट कर सकते हैं और इस वॉल्यूम बटन को आप अपने हाथों से ऑपरेट भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें स्पीकर जो है वो कहां पे लगा हुआ है। ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे जो मशरूम शेप है, इसके एकदम नीचे ही जो है स्पीकर लगा हुआ है और यहां से ही जो है वो आपको काफ़ी लाउड जो है वो साउंड आपको आएगा। और आपको अगर इस स्पीकर को निकालना है तो बहुत ही आसान है। नीचे की तरफ 4 स्क्रू लगे हुए हैं, ये चारों स्क्रू को आप ओपन कर लीजिए तो स्पीकर जो है वो बाहर निकल आएगा। क्वालिटी की मैं अगर बात करूं तो क्वालिटी काफ़ी डेलिकेट है इस स्पीकर की। और जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, ये स्पीकर जो है अगर आपके हाथ से गिर गया तो ये टूट भी सकता है। और ऊपर की तरफ आपको जो मशरूम शेप दिख रहा है उसका जो हिस्सा है नीचे की तरफ जहां पे अटैच है वो काफ़ी पतला सा है, तो काफ़ी डेलिकेट मुझे लग रहा है। और क्वालिटी और भी अच्छा इसका बनाया जा सकता था मेरे ख्याल से। जैब्रोनिक्स को क्वालिटी और भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अभी मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें कितनी LED लाइट जो है लगी हुई है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें सिर्फ एक LED लाइट आपको मिल जाएगी और एक ही LED लाइट जो है इसमें लगी हुई है। इससे आपको मल्टी कलर की जो है लाइट आपको बार दिखाई देगी। अभी मैं एक सैंपल म्यूजिक प्ले करने वाला हूं, आप ये सैंपल म्यूजिक को आप सुनिएगा ताकि आपको पता चलेगा इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है और आप जज कर पाओगे इसकी साउंड क्वालिटी को। तो ऑल ओवर क्वालिटी नॉर्मल है, वॉल्यूम काफ़ी लाउड है और प्राइस भी बहुत हाई है। अगर ये आपको सस्ता मिल जाएगा तो डेफिनेटली आप ये ले सकते हो, और ये ब्लूटूथ स्पीकर होता तो और भी अच्छा होता। सो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो कल फिर से मिलते हैं एक नए प्रोडक्ट और एक नए वीडियो के साथ।